देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड के आईएल रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष पंकज पांडे की अध्यक्षता में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बोकारो जिला कांग्रेस अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रमोद सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य इसराफिल अंसारी, इंटक नेता अजय कुमार सिंह, जिला महासचिव रामकृष्ण रविदास व पंकज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस का इस देश के विकास में लंबा संघर्ष रहा है और कांग्रेस के शासनकाल में देश में बड़े बड़े कल कारखाने लगे हैं, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के शासनकाल में इन कल कारखानों को बंद किया जा रहा है, जबकि नए कारखाने नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। कहा कि कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चलाया और लोगों को कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, वही कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य किया। इससे भाजपा घबराकर राहुल गांधी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम कर रही है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता सफल नहीं होने देगी और इसके खिलाफ कांग्रेस द्वारा पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के तहत कार्यक्रम चला रही है। मौके पर जरीडीह प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष अशोक कुमार मंडल, प्रखंड युवा प्रखंड अध्यक्ष मुर्शिद अली, प्रखंड कांग्रेस महिला अध्यक्ष उर्मिला देवी, प्रखंड कोषाध्यक्ष फिरोज खान, अक्रम वारसी कृष्णा सिंह, रेणु बाला आदि उपस्थित थे। आज गोमिया प्रखंड में यहाँ के सम्मानित हमारे प्रखंड अध्यक्ष पंकज पांडे जी के नेतृत्व में जिससे कि जिला में प्रखंड अध्यक्ष गोमिया का समीक्षा बैठक और जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम की सभा रखी गई, जिसमें कमेटी का भी समीक्षा किया गया और सभी को अधिकारियों को कमेटी के साथ काम करने विकट स्थिति हमारे देश का उसको के लिए समर्पित करने की एक उद्देश्य दिया गया और पार्टी को मजबूत करने के लिए संकल्प कमेटी का विस्तार करने के लिए